डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग 9th क्लास में सब्जेक्ट साइंस में एक बायोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे साइंस में। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 तक के डिस्कस किया, जो क्वेश्चन था व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहले 9 क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, तो लिखा जाए क्वेश्चन, कैरी आउट, कैरी CARRY, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। देखिए, कुछ ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट नीचे दिया गया है, उसे हम लोगों को करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तो उसके नीचे क्वेश्चन लिखा जाए, टेक, ये भी क्वेश्चन ही है, टेक योर पील्ड पोटैटो हाफ्स HALVES हाफ्स एंड स्कूज ईच वन, स्कूज SCOOS, स्कूज ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कब्स। वन ऑफ ट्यूब पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। फुल स्टॉप। Put each potato cup in a through containing water. Full stop. First question लिखा जाए, ए keep cup a empty। बी नंबर में लिखा जाए, put one teaspoon sugar in cup B. Put one teaspoon sugar in cup B. In cup
बी कप का नाम है, कप बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सी, नाइन का सी लिखेंगे। पुट वन टी स्पून साल्ट, टी स्पून साल्ट इन कप सी। पुट वन टी स्पून साल्ट इन कप सी, फिर डी में लिखेंगे। पुट द टी स्पून, पुट द टी स्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो, शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो। कप डी, कप डी। फिर लिखा जाए उसके नीचे क्वेश्चन, कीप दिज फोर टू, कीप दिज फोर 2 आवर्स, कीप दिज फोर 2 आवर्स, 2 घंटों तक रखना है, फुल स्टॉप। देन ऑब्जर्व द फोर पोटैटो, देन ऑब्जर्व द फोर पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। अब उसके नीचे फर्स्ट लिखा लिखा जाए, ये मेन क्वेश्चन है। इधर एक्सपेरिमेंट था, हम बताते हैं कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। अब लिखा जाए वन, एक्सप्लेन वाई वाटर वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड गैदर्स। गैदर्स का स्पेलिंग GATHERS, गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन, हॉलो मतलब होता है खाली, हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी, ऑफ बी एंड सी। ठीक है, फिर अब दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए, ये फर्स्ट था, फिर दूसरा। सेकंड, व्हाई इज पोटैटो अनेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। नंबर थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड का स्पेलिंग यही वाला, फिर से यही वाला, हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है जरा समझेंगे ये अच्छा से।
अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, नवा जो नंबर बोल रहा है, सवाल समझिए, बोल रहा है कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, इसके लिए आपको पोटैटो का आधा कटा हुआ भाग लेना है, ठीक है, और उसको कप्स में रखना है, ठीक है। वन ऑफ दोज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो, उसमें भी एक बॉइल्ड पोटैटो को लेना है, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको चार जो है कप लेना है, ठीक है। एक कप हम लोगों का ये हो गया, फिर दूसरा कप, अच्छा से ध्यान से समझिएगा, फिर तीसरा कप, फिर वैसा ही है नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कितनी कप्स है, चार कप्स है, और चार कप्स का नाम क्या क्या है, इस कप्स का नाम है ए बी सी एंड डी, ठीक है, चार कप्स है, और इस चार कप्स में पोटैटो रखा हुआ है। अब पोटैटो रखा हुआ है आधा कटा हुआ भाग, इसमें तो सिर्फ पोटैटो का आधा कटा हुआ भाग रख दिया गया है, यहाँ पे रखा हुआ है आधा कटा हुआ भाग, यहाँ पे रखा गया है वाटर में आधा कटा हुआ भाग रखा गया है, ठीक है, आधा कटा हुआ भाग, लेकिन इसमें जो है ना क्या है, तो पहला बोल रहा है कि कप एम्प्टी है, मतलब कि खाली है, इसमें सिर्फ सिर्फ आलू भरा हुआ आधा कटा हुआ, ठीक है, और इसमें जो बोल रहा है कि एक चम्मच शुगर देना है, शुगर वाला है इसमें, और फिर उसमें पोटैटो को रखा गया है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर डाला गया है, अब इसमें जो है हम लोगों का आधा कटा हुआ, हम लोग यहाँ पे आलू डाल रहे हैं, लेकिन इस वाटर में हम लोग साल्ट मिला रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना, इसमें हम लोग जो है यहाँ पे जो आलू रखे हुए हैं ये बॉयल आलू को रखे हैं, बॉयल्ड बॉयल्ड आलू है, और इसमें बोला जा रहा है शुगर भी है, दोनों चीज़ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे शुगर में, यानी कि ये चार सिचुएशन है, और चारों का फिगर भी आप बना दें तो अच्छा बेहतर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक कप, बी कप, सी कप और डी कप, एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे करना है, बोला गया कि आपको चार कप लेना है, चारों कप में आपको आलू लेना है, और आलू कैसा, आधा कटा हुआ। अब आधा कटा हुआ लेना है तो पहले वाले कप्स में हम लोगों को खाली रख देना है, इसमें जो है खाली रख देना है, इसमें कुछ नहीं रखना है। दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि वाटर रखना है, लेकिन वाटर में शुगर को मिलाकर रखना है, और फिर आधा कटा हुआ पोटैटो को डालना है, इसमें पोटैटो को आधा कटा हुआ डालना है, पानी के साथ नमक मिलाकर डालना है, इसमें बोल रहा है कि बॉयल आलू को डालना है, जैसे आलू को बॉयल कर दो और फिर उसको आधा काट दो, और आधा काटने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग उसको डालेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें शुगर होना चाहिए मिलाया हुआ वाटर में, और फिर हम उसको डालेंगे तो क्या होगा। यानी इन तरीके से इन चार सिचुएशंस दिए हुए हैं फिगर में, जैसा आप देख पा रहे होंगे ए बी सी डी में, और इसमें बोल रहा है कि इन चारों एक्सप्लेन करना है कि वाटर जो है गैदर्स क्यों होता है हॉलो पोर्शन बी एंड सी, यानी कि बी और सी में ज़्यादा गैदरिंग हो जाता है वाटर का। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन के बेसिस पे इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर में ही हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला फिगर ए बी सी डी, ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे फर्स्टली, फर्स्टली ऐसे, फर्स्टली वाटर गैदर्स इन द पोर्शन, वाटर गैदर्स इन द पोर्शन ऑफ द सेट, ऑफ द सेटअप, ऑफ द सेटअप फुल स्टॉप बी एंड सी इन द हॉलो पोर्शन
बी एंड सी इन द हॉलो पोर्शन से से एस ए वाई से द वाटर विल इंटर द पोटैटोस, द वाटर विल इंटर द पोटैटोस एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस कॉमा देन देन सिंस द मीडियम, सिंस द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन। सराउंडिंग, सराउंडिंग का एस यू डबल आर ओ यू एन डी आई एन जी, सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन। बोला जा रहा है कि बी और सी में वाटर का गैदरिंग ज़्यादा होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऑस्मोसिस की क्रिया होगा, क्योंकि वाटर में हम लोग साल्ट या फिर शुगर को घोले हुए हैं, इसलिए बी एंड सी वाले कप में वाटर का गैदर्स ज़्यादा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना पोटैटो में पानी इंटर कर जा रहा है, वाटर जो है इंटर कर जा रहा है। तो जब वाटर इंटर कर जा रहा है तो हम लोग जानते हैं ना कि ऐसा मेम्ब्रेन जो किसी भी उस मेम्ब्रेन से वाटर क्रॉस आउट हो जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे भी हम लोगों का ऑस्मोसिस की क्रिया। फिर नेक्स्ट एरो देकर उस, ये तो हम लोगों का फर्स्ट का आंसर हुआ ना, फिर सेकंड का एरो देना है नीचे ही। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि और भी तो क्वेश्चन बोल रहा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था देखिए हम बताते हैं। सेकंड बोल रहा था कि व्हाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए पोटैटो ए जो है क्यों ज़रूरी है, क्यों नेसेसरी है। तो इसका आंसर लिखेंगे द सेल विच मीन्स द वाटर विच मीन्स द वाटर मूव्स मूव्स इनसाइड बाई ऑस्मोसिस, इनसाइड बाई ऑस्मोसिस फुल स्टॉप। पोटैटो ए विल रिएक्ट एज कंट्रोल सेटअप, कंट्रोल सेटअप। बोला जा रहा है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है इसमें एक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही तो सेटअप कर रहा है ना, इसी को देखने से ना पता चल रहा है कि किसमें क्या अंतर पड़ रहा है। तो इसमें हम लोग आधा कटा हुआ सिर्फ इसको लिए हैं क्या, आप पोटैटो को लिए, इसमें हम लोग चेंज कर रहे थे, तभी तो पता चल रहा है कि इसमें वाटर को एब्जॉर्ब किया है, तो इसका साइज हो सकता है कि ग्रेटर दिखाई दे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सेटअप का काम कर रहे हैं। फिर अगले अगले क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर डज नॉट वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलो पोजिशन, इन द हॉलो पोजिशन ऑफ पोटैटो ए, ऑफ पोटैटो ए बिकॉज इट एम्प्टी, बिकॉज इट एम्प्टी। बोल रहा ना कि हाँ ए जो है हमारे लिए कंट्रोल सेटअप का भी काम कर रहा है और ए में कोई वाटर का गैदरिंग नहीं हो रहा है, ए में कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हॉलो है, इसमें कोई पानी उनी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटैटो रखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके नीचे आंसर लिखा जाए, उसके नीचे छोटा छोटा पॉइंट्स, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है ना, तो एक्सपेरिमेंट में जो जो हमें चीज़ मिल रहा है सबके बारे में लिखना है। वाटर इज़ नॉट एबल टू लिखना है अगला, वाटर इज नॉट एबल टू इंटर्ड पोटैटो डी बिकॉज, बिकॉज द पोटैटो डी इज, द पोटैटो डी इज
बोवाइल्ड, बोवाइल्ड फुल स्टॉप, द बॉइलिंग व्हील, द बॉइलिंग व्हील डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन, डिस्टर्ब डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन, डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस कॉमा अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड सो द वाटर विल, सो द वाटर विल नोट इंटर द बॉइल्ड पोटैटो कप, कप। देखिए कुल मिलाकर हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिल रहा है, जरा अब हम सब बात को बता देते हैं एक ही बार। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में बोल रहा था कि 4 कप लेना है, चारों कप में वही आधा कटा पोटैटो डालना है। एक में बिना कुछ लिए हुए सिर्फ पोटैटो रख देना है, दूसरा में वाटर लेना है, उसमें शुगर को मिला देना है, चीनी मिलाकर पोटैटो को रख देना है। फिर इसमें वाटर को लेना है, इसमें साल्ट को मिलाकर और पोटैटो को डालना है। इसमें बॉइल्ड बॉइल्ड पोटैटो को लेना है, यानी कि उबाला हुआ पोटैटो को डालना है वाटर के साथ शुगर को मिलाने के बाद, और चारों में आपको क्या मिलेगा? तो इन चारों में आपको ये देखने को मिलेगा दोस्त, क्योंकि ए में तो कोई वाटर है ही नहीं है, तो इसमें तो जो पोटैटो जो है, आलू जो है, पानी सोखेगा ही नहीं। क्यों नहीं सोखेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का है ही नहीं, ए में तो कुछ नहीं है, हॉलो है, खाली है। लेकिन बी और सी में देख रहे हैं कि बी वाले में भी जो आलू है, सी वाले में भी जो आलू है, ये दोनों आलू क्या करेगा? वाटर को सोखना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों डी का बात करें तो डी में जो पोटैटो है वो चूंकि सबसे पहले से ही बॉयल है, तो सबसे पहले जो बॉयल हो गया है तो उसका सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया? ख़त्म हो गया, डिस्टर्ब हो गया। यू बोले तो उसमें ऑस्मोसिस की क्रिया नहीं हो रहा है, यानी कि चूंकि पोटैटो को बॉयल किया जाता है तो उसका सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, उसकी सेल नष्ट हो जाती है, मर जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए इसमें ऑस्मोसिस की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये चारों हम लोगों को कप था और इस कप में हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन लिखा जाए फिर हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से बोल रहा है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्वेश्चन लिखना है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व, विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गीमेट्स, इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखिए बोल रहा है कि सेल डिवीजन में किस टाइप का सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, और किस प्रकार का सेल डिवीजन जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए है, यानी गैमेट्स के लिए जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन रिक्वायर्ड है, और ये ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिवीजन हम लोगों के लिए
काम देता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सेल डिवीजन में जो ग्रोथिंग का काम करता है वो माइटोसिस काम करता है। माइटोसिस जो है वो ग्रोथ के लिए है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन काम करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। तो इसका नाम है मियोसिस जो गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए है, और माइटोसिस ये सेल डिवीजन का कार्य करता है जो रिक्वायर्ड ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड करता है, रिक्वायर्डिंग फॉर ग्रोथ दैट इज माइटोसिस, माइटोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या गैमेट्स इज द रिक्वायर्ड फॉर मायोसिस। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए, माइटोसिस सेल डिवीजन इज, माइटोसिस सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मियोसिस सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का ये जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये चैप्टर पूरी तरीके से हम लोगों का ख़त्म हो गया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के क्लास को फिर हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और हम लोग को जैसा पता है फिजिक्स में भी एक चैप्टर ख़त्म किया मोशन, और फिर बायोलॉजी हम लोग पढ़े द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे ही हम लोग को चलता रहेगा। तो अगले दिन हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।